आज हम निज़ामिया तिब्बी गवर्नमेंट कॉलेज के पास है चार मीनार पे, जो है यहाँ पे पिछले चार दिन से एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स और फैकल्टी। उनका बोलना ये है कि एक नए गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जितने भी यहाँ पे डिसिप्लिन है, यूनानी, होम्योपैथी, सब कुछ जो है सो क्रैश करके, फिनिश करके सिर्फ आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके पूरे करियर का सवाल है और वो लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इनके डिमांड्स गवर्नमेंट्स नहीं सुनी। महाजरा फातिमा है मेरा नाम, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ GNTC, यूनानी स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोग चार दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, तो क्या आप लोग के डिमांड्स है और आप लोग क्या इश्यूज को लेकर रेज कर रहे हैं? हम लोग चार दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सब लोगों को हमारे डिमांड्स के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बार बार बोलना पड़ा और हम लोग की ड्यूटी है बोलना। खैर, हम लोग ये चाह रहे कि जो ऑर्डर पास हुआ उसको स्टे लगाना चाह रहे हम लोग, जो आयुर्वेदा को और MBBS को जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है, लोगों को जॉब्स के लिए जो ऑर्डर निकाले उस पर स्टे होना हम लोग को, ये डिमांड कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हम लोग 4 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज यूनानी के अलावा भी जैसे होम्योपैथी और नेचुरोपैथी भी हम लोगों को ज्वाइन करे, और उन लोगों की भी यही राइट है कि वो लोग ये चाह रहे ये कॉलेज के है होम्योपैथी नेचुरोपैथी नहीं, ये कॉलेज के नहीं है, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, यानी होम्योपैथी और नेचुरोपैथी हमारे कॉलेज को बिलोंग नहीं करते, वो लोग दूसरे कॉलेज को बिलोंग करते, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव, ये चाह रहे वो लोग के ऑर्डर पे स्टे लगना चाह रहे वो लोग। और उसके साथ साथ बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है इस पर स्टे लगाने के लिए ऑर्डर को, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी बराबर अथॉरिटी है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव को भी ये अथॉरिटी है कि वो ये ऑर्डर को स्टे लगा सकते और एक्शन ले सकते। तो हमारी ये डिमांड है कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे आए, हमारा साथ दे और हमा को सपोर्ट करे और हमा को हमारा राइट दिलाए। आपके करियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों के करियर पे? इफेक्ट क्या, हमारा करियर ही नहीं रहेगा तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा? करियर ही कुछ नहीं है। आप कितना भी अच्छे मार्क्स ला लो, कितना भी अच्छे ग्रेड्स ला लो, लेकिन हमारा कुछ फ्यूचर ही नहीं है। हम लोग बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से आए, हम लोग नीट लिख कर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग को साइडलाइन किया जा रहा है इवन दो वी आर कॉम्पिटिटिव टू एवरीबडी। मेरा नाम डॉक्टर जुबैर आलम है, मैं यहाँ पर हाउस सर्जन हूँ जी। तो आप लोग चार दिन से आप लोग का एहतजाज चल रहा है, क्या आप लोग के डिमांड्स और क्यों आप लोग ठहरे हुए यहाँ पे? जी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है NHM की तरफ से एक स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, वो सेंटर की एक स्कीम है। इसमें क्या किया गया, हमेशा से मतलब आयुष के साथ MBBS यानी एलोपैथी और आयुष सिस्टम दोनों को इक्वली रिक्रूट किया जाता था, लेकिन इस साल क्या किया जा रहा है, ऑलरेडी जो रिक्रूटेड हैं, जो ऑलरेडी जॉब्स पर हैं, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। और न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेदा सिर्फ एलिजिबल है आयुष डिपार्टमेंट में से, यूज जो है बाकी का नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये तमाम को नॉट एलिजिबल बोलकर बताया जा रहा है। ये सरासर जो नोटिफिकेशन है, दिस इज़ वेरी इलॉजिकल नोटिफिकेशन। हाँ, इलॉजिकल इसलिए है कि जब आयुष टोटली एक डिपार्टमेंट है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, सो कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो इसमें तमाम ही लोगों का जो सिलेबस है इक्वल है, एक्सेप्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सबकी अलग अलग है, तरीक़ेकार अलग है, लेकिन ये पूरे जो डिपार्टमेंट है आयुष, दे आर अल्टरनेटिव मेडिसिन और सो कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये एक डिपार्टमेंट में से सिर्फ आयुर्वेदा को लेना, ये एक तासुब है। दिस इज समथिंग फिशी। न्यू स्कीम की वजह से आप भी टर्मिनेट हो गए एम्प्लॉयरशिप से? My name is Dr. Susharita. So I am from homeopathy. I have appointed as a CHO under PHC Srirangavaram under Medchal Malkajgiri district in the previous, as per the notification given in 2021. So from 1 year we are doing our services under sub center. We are doing ANC clinics, we are participating in all national health programs, and we have done NCD screening and everything we are doing. And because of our services, our state government, Telangana, in the program Azadi Ka Amrit Mahotsav, Telangana state has stood second position. And now they are saying your services are not correct. I don't know that. But they are saying we are not eligible for the post which we are doing services for past one and a half year. So this is not fair, saying that you are not eligible. Because once we previously we are eligible, now after rendering our services, now they are saying we are not eligible. What is the eligibility criteria they have given previously, and what eligibility criteria now they are taking? Dr. Mohammed Junaid, PG scholar, first year. So this the issue is now very hot and burning issue it has become, because this is the question of credibility. Yani hamare se hamari ahiliyat aur khabiliyat ke baare mein sawal kiya ja raha. क्योंकि ये हम सब एक ही डिपार्टमेंट है, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो,
और ये सिद्धा हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब एक ही डिपार्टमेंट है। ये अभी नहीं बल्कि आज़ादी के जब से सिंस 1947 दिस आर मी इंटीग्रेटेड इंडियन मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताया जा रहा था इसको, और टीचिंग में भी इसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताते और प्रैक्टिस के अंदर भी मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इसको इंटीग्रेटेड बताया जाता और हर वक्त पे हर जगह पे इसको इक्वली ट्रीट किया जाता था। अब इस वक्त ऑल ऑफ सडन क्यों डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक ही घर में अगर चार औलाद है, चार बच्चे हैं, तो तीनों को घर से बाहर निकाल के एक को आप घर में रख रही है, किस किस्म का जो है बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा। दिस इज क्लियर कट टोटल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज इक्वली द स्टेट गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन टू इट। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्लियरिटी आप ये दीजिए कि वेर इज़ अवर इनएबिलिटी टू डू दिस सर्विसेस, कि हमारे अंदर नाहिलियत या नाकाबिलियत कहाँ आपको पाई गई जिसकी बिना पे आप ये एक नया एक मेमो इशू करे, एक जियो इशू करे, जिसकी बेसिस पे ऑल ऑफ सडन ऑल CHOs कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स दे हैव गिवन ए ग्रेट सर्विसेस नॉट ओनली इन द कोविड एज वेल एज आफ्टर कोविड। जैसा कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, अगर उसे नहीं तो अगर जो MMR मीसल्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जैसे RBS के मेडिकल ऑफिसर्स कर रहे थे, उसमें भी पूरे आयुष के मेडिकल ऑफिसर्स है, उसमें यूनानी भी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, युद्धा और सिद्धा है, योगा सब है उसके अंदर। ये सबको एक साथ सर्विसेज में लिए, सब सर्विसेज भी दिए, जब जरूरत पड़ी सबकी सर्विस लिए, ऑल ऑफ सडन नहीं तुम हमारे नहीं होते बोल के निकालना, ये सितम और जुल्म है, ये इनजस्टिस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। वी आर अगेंस्ट दिस एंड वी वॉन्ट द क्लियर डायलॉग अगेंस्ट इट। आइदर यू एक्सेप्ट अस आर एबॉलिश ऑल द कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। हम भी एम्प्लॉय थे मिर्चल मलकाजगिरी सेम डिस्ट्रिक्ट से, और पास्ट 1.5 ईयर से जब हम लोग सारे सर्विसेज में सेकेंड तेलंगाना को रिप्रेजेंट जब कर रहे थे, फिर अब एलिजिबिलिटी की बात क्यों आ गई ऑल ऑफ अ सडन 16 मंथ्स 17 मंथ्स के बाद में। सो हमारा क्वेश्चन यही है कि किस बेसिस पे आप हम एलिजिबल लिए वो आप हम लोग को शो करिए, और स्पेशली इसमें आयुर्वेदा क्यों एलिजिबल कर रहे हैं आयुष, बिकॉज एक आयुष एक सिंगल बॉडी है जिसमें आयुर्वेदा को ही सुपीरियर करके दूसरों को डिमीन करना, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है। सो इसके लिए ये हमारा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ अ सडन एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर दे रहे हैं विदाउट एनी इंटीमेशंस। भाई सर्विसेज भी आप देखिए, हम लोग जो अभी तक सर्व किए हैं वो भी मैटर करता है, तो उसको ही हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ कंसिडर करके अलॉन्ग विथ आयुर्वेदा हम लोग भी क्या है एलिजिबल रहते हैं। मेन थिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पहले सेटल कर दीजिए। నా పేరు నిఖిల్ రాజు అండి, మేము ఫైనల్ ఇయర్ హోమియోపతి స్టూడెంట్స్ అండి. మాకు రీసెంట్గా ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి, ఏంటంటే MBBS నర్సెస్ అండ్ ఆయుర్వేదిక్ వాళ్ళని MLHP అని చెప్పి హాస్పిటల్స్లో PHCSలలో పోస్టుల కోసం అని చెప్పి తీసుకున్నారన్నట్టు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఉన్న హోమియోపతిని ఉన్న ఈ యోగా యునాని వాళ్ళని కూడా టర్మినేట్ చేయమని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. మేము ఏ రకంగా ఎలిజిబుల్ కాదు అంటే ఇంతకుముందు ఎలిజిబుల్లో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకు ఎలిజిబుల్ కాదు అని చెప్పి మా క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఓన్లీ తెలంగాణలోనే దగ్గర దగ్గర 6 హోమియోపతి కాలేజెస్ ఉన్నాయండి, 5 హోమియోపతి కాలేజెస్ ఇయర్లీ దగ్గర దగ్గర ఏటా దగ్గర తక్కువలో తక్కువ చేసుకున్నా కానీ 500 మెంబర్స్ ఆఫ్ హోమియోపతిస్ బయట పడుతున్నారండి. మేము 5.5 ఇయర్స్ చదివి ఇప్పుడు మాకు ఒక నోటిఫికేషన్లో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న చిన్న జాబ్స్ కూడా మాకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు అని అంటే మేము అది వీఆర్ ఫీలింగ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఆయుష్ అంటే ఇన్ని రోజులు మేము ఒకటే వన్ యునైటెడ్ అని చెప్పి అనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఆయుర్వేద ఒకటిని తీసుకొని మిగతా వాళ్ళందరినీ తీసుకోము అంటే వి ఫీల్ డిస్క్రిమినేషన్. మాకు ఇది ఇంజస్టిస్ లాగా అనిపిస్తుంది.